是一副。अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आज मैं आपके साथ बहुत ही डिफरेंट रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत से लोग के घरों में बनती भी होगी, लेकिन बहुत से लोग इस तरह की फ़िश नहीं बनाते होंगे। बहुत से लोग सिर्फ पैकेट की फ़िश बनाते हैं और खा लेते हैं। तो मैंने कहा इस तरीके से आप बनाएं, आपको इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगी। इसे कहते हैं जी लाहौरी फ़िश। लाहौर में इसी तरीके से फ़िश बनती है और इसे बेसन वाली फ़िश भी कहा जाता है। तो चलें स्टार्ट करते हैं हम अपनी फ़िश बनाना। तो सबसे पहले मुझे चाहिए फ़िश 1 kg। यहाँ पे मैंने मुश्किल ली थी जो सिर्फ़ 1 कांटे की होती है, इसमें एक्स्ट्रा कोई कांटे नहीं होते, ठीक है। इसके अलावा 1.5 teaspoon कुटी हुई लाल मिर्च है, 1.5 teaspoon भुना पिसा ज़ीरा है, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, हल्दी 1 teaspoon, काली मिर्च है मेरे पास 1 teaspoon, ठीक है। ये सारे मसाले मैंने जो है इसमें डाल दिए। अजवाइन इसमें जाएगी 1/2 teaspoon, ठीक है। और लहसुन अदरक इसमें जाएगा पिसा हुआ 1.5 tablespoon, और ये 1.5 tablespoon जाएगा इसमें कुटा हुआ साबुत धनिया। भूनना नहीं है, ऐसे ही बस हमने डालना है इसको कूट के मोटा मोटा, ठीक है। लेमन जाएगा जी इसमें, लेमन आप, ये मेरे पास जो लेमन था ना, ये मैंने हाफ डाला था और दूसरे में से थोड़ा सा डाला था। अगर आपके पास छोटे वाले लेमन है तो आप 2 डाल लीजिए, ये काफ़ी बड़ा था और इसमें रस भी काफ़ी ज़्यादा था, तो मैंने दूसरे में से थोड़ा सा डाला और हाफ वाला जो है था वो पूरा डाला, ठीक है जी। अब इस मसाले को जो है ना हमने अच्छी तरीके से मिक्स करना है कि सारी मछली में ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। अगर आप इसको ऐसे भी फ्राई करना चाहें ऐसे भी आप इसे फ्राई कर सकते हैं, क्योंकि ये मसाला बहुत ज़बरदस्त सा इसमें लग चुका है। अच्छा, मछली भी जब भी आप बनाएं ना, मछली में कम से कम आप 8 से 10 घंटे के लिए मैरिनेट करें, ठीक है। अच्छा, यहाँ मुझे, मैंने टेस्ट किया था तो स्पाइसी मुझे थोड़ा सा कम लगा, तो मैंने पिसी हुई लाल मिर्च जो थी वो इसमें 1 teaspoon ऐड कर दी, ठीक है। अगर आप स्पाइसी कम खाते हैं तो आप नहीं ऐड कीजिएगा, ठीक है। लेकिन ये बिल्कुल ज़्यादा स्पाइसी नहीं था, ये बिल्कुल परफेक्ट स्पाइसी था, तो आप ये डाल लीजिएगा 1 teaspoon, ठीक है जी। ये अच्छे से मिक्स करना है। अच्छा, मैं बोल रही थी मछली को अच्छी तरीके से हमने मैरिनेट करना है। ओवरनाइट भी आप इसको मैरिनेट करके रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ मैंने इसको 10 घंटे के लिए मैरिनेट करके रख दिया था। अच्छा जी, उसके बाद मैंने लिया बेसन, 1/2 पाव बेसन में डालूंगी, 1 teaspoon पिसी हुई लाल मिर्च और चुटकी भर अजवाइन जाएगी इसमें और नमक जाएगा। वैसे तो हम सारे मसाले जो है ना वो मछली में लगा चुके हैं, लेकिन ऊपर से हमने करनी है जी बेसन की कोटिंग, तो बेसन फीका नहीं रहना चाहिए, तो इसलिए मैंने इसमें ये 3 चीज़ें जो है ना वो डाली हैं। अब इसमें हम पानी डाल के इसकी एक थिक पेस्ट सी बना लेंगे, बहुत थिक भी नहीं करना और बहुत थिन भी नहीं करना। तो एक नॉर्मल सी पेस्ट मैं आपको बताती हूँ कैसे बनानी है। आपने अच्छे से ये सारे मसाले मिक्स करेंगे। अच्छा जी, अजवाइन की जो मिकदार है ना उसकी आप ख्याल रखेंगे बेसन में भी और मछली में भी, क्योंकि ज़रा से भी ज़्यादा होती है ना तो वो कड़वाहट आ जाती है उसकी, ठीक है। ये देखें इस तरीके से आप चेक करिएगा, आप जब इसको चमचे से नीचे गिराएं तो चमचे पे एक पतली सी लेयर बननी चाहिए, तो इतनी ही पतली लेयर फिर आपकी फ़िश पे बनेगी। बहुत ज़्यादा मोटी कोटिंग करेंगे तो वो सिर्फ बेसन ही बेसन का टेस्ट आएगा और मज़ा नहीं आएगा। अच्छा, मुझे यहाँ ना थोड़ा सा बेसन का कलर फीका फीका सा लग रहा था, तो मैंने कहा थोड़ा सा येलोइश कलर आना चाहिए, तो मैंने इसमें हल्दी ऐड करी थी, ठीक है। 1/2 teaspoon मैंने इसमें हल्दी ऐड करी थी। ये देखिए, हल्दी से ये होता है बेसन का कलर खूब अच्छा सा आ जाता है, और जब इसे फ्राई करेंगे ना तो आपका कलर सुनहरा सुनहरा बेसन का रहेगा, ठीक है। ये हो गया मिक्स। अच्छा जी, रात हो गई थी, ये मैंने सुबह मैरिनेट करके रखी थी टोटल 10 घंटे के लिए। देखें, फिर मैंने इसको फ्रिज से निकाला और ये देखें मैंने पैन में अच्छे से ऑयल डाला है, डीप फ्राई हम इसे करेंगे। फिर हमने इसे देखें अच्छे से हमने इसमें कोटिंग करनी है। कोटिंग जो है ना बहुत ज़्यादा हमने मोटी लेयर की नहीं करनी है। देखें, जो एक्स्ट्रा बेसन था ना वो मैं हटा दूँगी, ठीक है, हटा दूँगी मैं इसको हाथों से, और बहुत पतली लेयर हम इस पे चढ़ाएंगे, और इसके बाद हम इसको तेज़ गरम तेल में डालेंगे। मतलब तेज़ गरम तेल से मुराद बिल्कुल ठंडे तेल में आपने इसको नहीं डालना है, और इतने तेज़ गरम में भी नहीं डालना कि डालते ही जो है ना ये ब्राउन हो जाए, ठीक है। मीडियम फ्लेम में हमने डाला है क्योंकि बेसन की कोटिंग है, बेसन भी पकेगा और अंदर से फ़िश भी पकनी चाहिए, फ़िश कच्ची नहीं रहनी चाहिए। तो बेसन की हम जो कोटिंग है वो अच्छी तरीके से पकनी चाहिए, जब ही जाके ये कुरकुरी सी होगी और बहुत मज़ेदार सी ये फ़िश बनेगी। आप खाइएगा, खाएंगे ना तो बस खाते चले जाएंगे। मेरे हस्बैंड को तो ये इतनी पसंद आई थी ना कि बस वो तारीफ़ें कर रहे थे और थक नहीं रहे थे तारीफ़ें कर करके। उनको फ़िश ऑलरेडी बहुत पसंद है, मुझे भी पसंद है, और हम सबको पसंद होती है फ़िश। तो एक प्योर जो है ना चीज़ है जो हमें आजकल मिल रही है, वरना हर चीज़ में ही मिलावट है।
तो ये देखिए यहाँ पे अच्छे से जो है ना हमारी फ़िश फ्राई हो रही है। पहले मैंने इसमें जितने पीसेस आ सके आराम से वो डाले। ये देखिए यहाँ पे काफ़ी अच्छा सा इसका कलर आ गया है, काफ़ी अच्छे से हो गई है। कम से कम इसको एक होने में कम से कम 7 से 8 मिनट लगेंगे। आपने बिल्कुल सब्र रख के इसको पकाना है, जल्दबाजी में कलर नहीं देना है, वरना अंदर से बेसन भी कच्चा रह जाएगा और फिश भी हमारी कच्ची रह जाएगी। ठीक है जी, ये देखिए यहाँ पे ये हमारी फ़िश हो गई। ये मैंने सेकंड लेयर भी इसकी डाल दी थी और ये भी देखें कितना अच्छा सा खूबसूरत सा कलर आया है, बहुत ज़्यादा डार्क भी नहीं किया मैंने। और इसको सब्र रख के पकाया, 7 से 8 मिनट मैंने मीडियम फ्लेम पे पकाया है। ठीक है जी, यहाँ पे ये देखें हमारी सारी फ़िश फ्राई हो गई है और मैं इसे अब सर्व करती हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैंने अच्छे से इसको गार्निश कर लिया है लेमन के साथ, कोरिएंडर के साथ, और यहाँ पे ये हमारी मज़ेदार सी जो लाहौरी फ़िश है ना वो बन के रेडी हो गई। उम्मीद है मेरी आपकी आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो एंड शेयर ऑल्सो, और मुझे इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर भी फॉलो करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।